What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. Chicken lollipop और drums of heaven restaurant style recipe आज आपको बता रहा हूँ. अब chicken lollipop का तो आपको पता है एक अलग ही fan base है, वो crispy वाले chicken lollipop साथ में Szechuan sauce जो खाने का मज़ा आता है ना, अलग ही वाइब होती है वो. और साथ ही में रेस्टोरेंट्स में ये ड्रम्स ऑफ हेवन मिलते हैं. ये सेम चिकन लॉलीपॉप को एक टैंगी सी सॉस में टॉस किया जाता है और सर्व किया जाता है, वो भी बहुत डिलिशियस लगते हैं. और ये वाली जो चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी मेरी रेसिपी है, संजोत कीर स्टाइल चिकन लॉलीपॉप बनता है. बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और डिलिशियस चिकन लॉलीपॉप्स. कई बार आपने देखा होगा बाहर से क्रिस्पी नहीं होते हैं, तेल बहुत पी जाते हैं, अंदर से ड्राई हो जाते हैं, वो सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये वाली रेसिपी से. एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है और उसी चिकन लॉलीपॉप को यूज़ करके फिर ड्रम्स ऑफ हेवन भी बनाएंगे. सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप जो है ना वो चिकन विंग्स से बनता है और चिकन विंग्स को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, कट करके चिकन लॉलीपॉप का शेप देना पड़ता है. वो कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ. सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली रेडीमेड चिकन लॉलीपॉप लेने वाले हो, मतलब शेप की हुए चिकन लॉलीपॉप अगर ले रहे हो बाहर से मार्केट से, तो ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. चैप्टर्स मैंने नीचे बना दिए होंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप स्किप कर दीजिए. सबसे पहले देख लेते हैं चिकन विंग्स यूज़ करके चिकन लॉलीपॉप को शेप कैसे करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक चिकन विंग ले लिया है और स्किन है इसके ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है, स्किन रहनी चाहिए चिकन विंग के ऊपर. चिकन विंग के ना तीन पार्ट्स होते हैं. इस पहला पार्ट इसे टिप कहा जाता है और ये मिडिल पोर्शन है, इसे विंगेट कहा जाता है, और ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसे ड्रमेट कहा जाता है. ये तीन सेक्शंस होते हैं. ये तीन सेक्शंस में बीच में दो जॉइंट्स होते हैं, ये आप देख सकते हो ये दो जॉइंट्स हैं. सबसे पहले हमें टिप को जो है अलग कर देना है. तो टिप को काटने के लिए इस जॉइंट पर आपको बीचों बीच एक कट लगाना है. नाइफ को जब ये जॉइंट पे प्लेस करोगे, इसे कट करोगे, आसानी से कट जाता है. तो जॉइंट को ढूंढकर इस तरीके से कट कर दीजिए. कट करने के बाद ये टिप देख सकते हो आप अलग हो गया, ये टिप को आपको साइड पर डिस्कार्ड कर देना है. बचेगा आपका विंगेट और ड्रमेट, ये दो हिस्से आपके बच जाएंगे जिसके बीच में एक जॉइंट है. तो इस जॉइंट को आपको यहाँ से कट करना है. सेम तरीके से नाइफ को यूज़ कीजिए, पहले स्किन को कट कर दीजिए, उसके बाद जॉइंट के बीचों बीच आपको कट लगाना है. कट आराम से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. और ये आप देखोगे कि दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं, आपको यहाँ पर अभी ड्रमेट और विंगेट मिल गया है, ये दो हिस्से मिल गए हैं चिकन विंग के. सबसे पहले मैं ड्रमेट को लॉलीपॉप में कैसे शेप करते हैं वो आपको बता रहा हूँ. तो ड्रमेट का ये जो पतला वाला हिस्सा है, ये वाले साइड पर आपको इस जगह पर कट लगाना है, जो फ्लैश है उसके ऊपर कट लगाना है. तो सभी तरफ से कट लगा लीजिए. बोन से आपको ये फ्लैश को अलग करना है. एक बार आपने बोन से फ्लैश को अलग कर लिया है तो नाइफ को यूज़ करके इस फ्लैश को आपको दूसरी तरफ इस तरीके से पुश करना है. इस तरीके से जब पुश करोगे तो जो बोन से फ्लैश है वो अलग हो जाएगा और एक साइड पर आ जाएगा. तो एक बार ये फ्लैश एक साइड पर आ जाए, उसके बाद आपको अपने हाथों को इस्तेमाल करना है, साफ हाथ इस्तेमाल करने, और इसको फ्लैश को पुल करना है. पुल करके जो फ्लैश है उसको दूसरे साइड पे ले जाना है और इस तरीके से आप देखोगे लॉलीपॉप का शेप बन जाएगा. देखा आपने कैसे ये शेप बन गया लॉलीपॉप का. एक बार लॉलीपॉप का ऐसे शेप बन जाए तो जो दूसरी तरफ पे आपके बोन के ऊपर अगर कुछ फ्लैश लगा है तो उसको आपको कट करके निकाल देना है, क्लीन कर लेना है इसको, तो फ्राई करते टाइम अच्छा नहीं लगेगा. तो एक बार ये क्लीन हो जाए तो आप देख सकते हो ड्रमेट को इस तरीके से शेप किया जाता है लॉलीपॉप में. तो ये तैयार हो गया. अब मैं आपको विंगेट को कैसे शेप करते हैं वो बता देता हूँ. तो विंगेट का भी एक ब्रॉडर एंड है और एक नैरोअर एंड है. जो नैरो वाला एंड है उस तरफ आपको सेम तरीके से फ्लैश को अलग करना है हड्डी से. और विंगेट में ना दो बोन्स होती है, एक थिक वाली बोन होती है, एक पतली वाली बोन होती है. तो पतली वाली बोन को हम अलग करने वाले. एक बार आपने फ्लैश को अलग कर लिया, थोड़ा सा फ्लैश को दूसरी तरफ आपको इस तरीके से अलग करना है, थोड़ा सा पुश करना है. जब आप पुश कर लेंगे इसको, आप देखोगे दो बोन्स हैं यहाँ पर और बीच में जॉइंट है. तो पहले तो ये जॉइंट को आपको कट करना है. तो ये जॉइंट को कट करके बोन्स को अलग कर लीजिए. अभी आपको जो पतली वाली बोन है उसको निकाल कर डिस्कार्ड करना है. तो फ्लैश को थोड़ा सा पुश कीजिए और अपने हाथों से ही इसको खींच कर आपको पतली वाली बोन को अलग कर देना. ये देख सकते हो मैंने पतली वाली बोन को अलग कर लिया, इसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए. अब नाइफ की मदद से या हाथों की मदद से आपको फ्लैश को दूसरी तरफ पुश करना है, इस तरीके से जैसे हमने ड्रमेट में किया था उसी तरीके से फ्लैश को ऐसे पुश कर दीजिए, पुल करके दूसरी तरफ ले जाइए. और ये आप देख सकते हो विंगेट का भी लॉलीपॉप बन गया है. सेम तरीके से दूसरे एंड पे अगर थोड़ा सा फ्लैश लगा हुआ है तो उसको कट करके आपको डिस्कार्ड कर देना है, क्लीन कर देना है. तो ये आप देख सकते हो विंगेट वाला लॉलीपॉप भी हमारा तैयार हो गया है. तो दोनों ही आपको मैंने बता दिए, ड्रमेट और विंगेट के साथ आप लॉलीपॉप कैसे शेप कर सकते हो. तो आपने देखा चिकन लॉलीपॉप को विंग्स से कैसे तैयार किया जाता है. रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. अगर चिकन विंग्स ही खरीद रहे हो तो आपको चिकन लॉलीपॉप भी डायरेक्टली मिल जाते हैं. तो डायरेक्टली चिकन लॉलीपॉप का पैकेट लाया और आगे का ही प्रोसेस आप कर सकते हो. मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि आपको पता है YFL पर हम सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच करते हैं, तो ये भी चीज़ मैंने आपको सिखा दी है. तो अगर बाई चांस चिकन विंग्स लेके आ रहे हो तो आप चिकन लॉलीपॉप उससे बना सकते हो.
तो ये हो गया प्रोसेस चिकन लॉलीपॉप को प्रिपेयर करने का। अब नेक्स्ट स्टेप है इसे मैरिनेट करना है। उससे पहले हमें एक चिली पेस्ट बनानी है। रेस्टोरेंट्स में ना क्या किया जाता है, रेड चिली पेस्ट को, कश्मीरी रेड चिली पेस्ट को कुक किया जाता है बहुत सारे तेल के साथ, और उसके बाद उसे मैरिनेशन में भी, सॉसेस में भी यूज़ किया जाता है। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो जो रेड फूड कलर है आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा, मैरिनेट में जब ये पेस्ट डाल दोगे तो उसे वो लाल कलर मिल जाएगा, और साथ ही में जब हम वो ड्रम्स ऑफ हेवन बनाएंगे तभी सॉस में भी ये चिली पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो रेस्टोरेंट्स में किया क्या जाता है, जब भी रेड ग्रेवी कोई बनानी है उसमें रेड चिली पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बहुत आसान होता है ये चिली पेस्ट बनाना, फटाफट बना लेंगे, उसके बाद मैरिनेशन का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 20 कश्मीरी मिर्चों की स्टेम निकाल दी थी और उसमें से सीड्स भी जितने हो सके उतने निकाल दिए थे, और उसे 15 से 20 मिनट तक मिनिमम आपको गर्म पानी में सोक करके रखना। इन सोक चिलीज को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए, साथ ही में कम से कम पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट में से आपको पीस लेना। पानी कम डालना ज़रूरी है क्योंकि पानी अगर ज़्यादा डाल दोगे जब तेल में इसे पकाएंगे तब बहुत छींटे उड़ते हैं, तो अवॉइड करने के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने रेड चिली पेस्ट बना ली है। अब एक पैन के अंदर आपको लगभग 4 से 5 टेबलस्पून तेल लेना है, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें रेड चिली पेस्ट जो हमने बनाई थी वो ऐड कर देनी। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे स्टर कीजिए और मीडियम फ्लेम पर आपको तब तक इसे पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाए और पेस्ट का जो टेक्सचर है थोड़ा सा क्रम्बली नहीं हो जाए। तेल ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो पेस्ट को कुक करने में आसानी हो जाए, दूसरा इसे स्टोर जब करते हैं जब तेल रहता है तो ये पेस्ट ख़राब नहीं होती है जल्दी से, और तीसरा जो ये तेल है इसमें काफ़ी चिली का फ्लेवर आ जाता है। तो एज चिली ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में से यूज़ करते हैं, तो चिली ऑयल भी ये यूज़ कर सकते हो जब भी आप ग्रेवीज़ बना रहे हो या नूडल्स या फ्राइड राइस बना रहे हो, चिली ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसको कुक करने के बाद इसका काफ़ी टेक्सचर जो है चेंज हो गया, एकदम क्रम्बली सी हो गई है, कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर इसमें 1 टीस्पून आपको विनेगर ऐड कर देना है। विनेगर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो रेड चिली पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और रूम टेम्परेचर पर लाकर ठंडा कर लीजिए। तो आपने चिली पेस्ट देखा, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। एक बड़ा भी बैच अगर आपने बना दिया ना तो 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होती है, फ्रिज में रखो तो तेल काफ़ी होता है इसके अंदर, और आप इसे अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में से यूज़ किया है। अगर ये प्रोसेस आप स्किप करना चाहते हो तो एक तो ये है कि अगर सिर्फ लॉलीपॉप बना रहे हो आप तो उसमें आपको फिर फूड कलर ऐड करना पड़ेगा, रेड कलर के लिए। अगर ब्राउन कलर के लॉलीपॉप खाना चाहते हो तो ये भी स्किप कर सकते हो और फूड कलर भी स्किप कर सकते हो। मैंने ये पेस्ट इसलिए बनाई है आज कि लॉलीपॉप में एक तो वो कलर भी आ जाता है, थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा जब हम सॉस बनाएंगे ड्रम्स ऑफ हेवन का तब भी ये पेस्ट इस्तेमाल होने वाली है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ये बना लो, एकदम परफेक्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए। तो पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। अभी चिकन लॉलीपॉप को मैरिनेट कैसे किया जाता है एकदम सही तरीके से वो देख लेते हैं। तो एक बड़े से बोल में यहाँ पर मैंने 12 चिकन लॉलीपॉप ले लिए। चिकन लॉलीपॉप ऐड कर दीजिए। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 4 से 5 लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 1 हरी मिर्ची की पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देनी है। साथ में 1 टेबलस्पून जो रेड चिली की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 4 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ और साथ ही में 3 टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब एक अंडे को तोड़कर उसका जो सफ़ेद हिस्सा है वो निकाल कर आपको ऐड कर देना है। येलो मत ऐड कीजिए, क्रिस्पीनेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है लॉलीपॉप को। अंडा ऐड करने के बाद इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको अभी अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाना है ताकि जो मसाला है, जो मैरिनेड है, वो चिकन लॉलीपॉप पर अच्छे से लग जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो कलर वो रेड चिली पेस्ट की वजह से कितना अच्छा आ गया है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इस स्टेज पर 1/2 घंटे के लिए कम से कम इन लॉलीपॉप को आपको मैरिनेट करने रख देना है। तो ये है एकदम आसान तरीका चिकन लॉलीपॉप को मैरिनेट करने का। आपने देखा होगा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है वो क्रिस्पीनेस के लिए, साथ ही में आपने ये भी देखा होगा मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, तो पानी मत ऐड कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़े से और कॉर्नफ्लावर या मैदे की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। अगर लगता है कि कॉर्नफ्लावर और मैदा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बस हाथों को गीला कर लीजिए या एक पानी का छींटा मारिए, उससे ज़्यादा इसमें पानी डालना नहीं है। अगर बहुत लिक्विडी अगर बैटर बना दोगे तो क्रिस्पीनेस आपको नहीं मिलेगी और पानी भी बहुत पी जाते हैं लॉलीपॉप, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक बार आपने मैरिनेट कर दिया है कम से कम 1/2 घंटे के लिए रहने दीजिए। अगर अगले दिन बना रहे हो तो फ्रिज में रहने दीजिए इस चिकन लॉलीपॉप के मैरिनेट को और अगले दिन बनाइए, फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा लॉलीपॉप में आ जाते हैं, 1/2 घंटे में भी एकदम बढ़िया बन जाएंगे। तो 1/2 घंटे के लिए मैंने अभी मैरिनेट करने रख दिया था। एक बार मैरिनेट हो जाए आपके चिकन लॉलीपॉप तो इन्हें आपको फ्राई करना है।
फ्राई करने का भी प्रॉपर तरीका आपको आज बताने वाला हूँ। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में भी, और मैं भी इसे दो बार फ्राई करता हूँ, डबल फ्राई करता हूँ एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए। तो पहले फर्स्ट फ्राइंग में इसे हम 80-90% कुक करेंगे, फिर ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर थोड़े हायर टेम्परेचर पे इसे फ्लैश फ्राई करेंगे, जिसे सेकेंड फ्राइंग करेंगे, और उससे क्या है वो क्रिस्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो वो वाला जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो तेल को मैंने गर्म कर लिया है, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे आपका तेल होना चाहिए। अब चिकन लॉलीपॉप ऐड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप चिकन लॉलीपॉप उठाएंगे, फिर दूसरे हाथ से आपको इस तरीके से उसको फिर से शेप करना है, फिर से मैरिनेट लगाना है, नहीं तो शेप जो है बहुत अलग सा आता है लॉलीपॉप का। एक बार आपने शेप कर लिया है तो लॉलीपॉप को बस 2-3 सेकंड्स के लिए इस तरीके से तेल में पकड़िए और फिर छोड़िए, नहीं तो नीचे चिपक जाता है। तो इसी तरीके से सारे लॉलीपॉप्स को आपको हल्का हल्का शेप करना है और इसमें ऐड करना है। यहाँ पर सिर्फ मैं 6 चिकन लॉलीपॉप फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि ना अलग से प्लेट करने वाला हूँ, और फिर बाकी के जो 6 लॉलीपॉप बचेंगे उन्हें फ्राई करके मैं ड्रम्स ऑफ हेवन बनाऊंगा। और आप भी घर पे जब भी फ्राई कर रहे हैं तो 6-7 लॉलीपॉप ही एक टाइम पे डालिए, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड कर दोगे तेल को तो तेल ठंडा हो जाएगा और लॉलीपॉप तेल पी जाएंगे। तेल का टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, 160 डिग्रीज टू 170 डिग्रीज होना चाहिए। तेल ठंडा होगा तो भी चिकन लॉलीपॉप जो है वो तेल पी जाते हैं। तो इसी तरीके से अभी मीडियम फ्लेम पर या मीडियम लो फ्लेम पर आपको चिकन लॉलीपॉप्स को फ्राई करना है। 6-7 मिनट तक फ्राई कीजिए जब तक ये 80-90% कुक नहीं हो जाते। तो 6-7 मिनट बाद आप देखेंगे चिकन लॉलीपॉप बाहर से अच्छा कलर पकड़ चुके हैं या अच्छे से कुक भी हो चुके हैं, 80-90% कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर आपको झारे से इन चिकन लॉलीपॉप्स को निकाल देना है, तेल से जो एक्सेस तेल है उसको भी निकलने देना है। फिर एक छन्नी में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको भी कम से कम आपको 10-15 मिनट तक ठंडे होने देना है। तो चिकन लॉलीपॉप्स की फर्स्ट फ्राइंग हो गई है। फ्राइंग के टाइम पर जितनी मैंने आपको टिप्स बताई है उसे आप नोट कर लीजिए तो आपके चिकन लॉलीपॉप हमेशा एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो एक बार आपने फर्स्ट फ्राई कर लिया, उसके बाद सेकंड फ्राइंग जो है आपको हायर टेम्परेचर पे करनी है। तो आप सिर्फ चिकन लॉलीपॉप अगर बना रहे हो और ड्रम्स ऑफ हेवन नहीं बना रहे हो तो इस स्टेज पर इसे 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए ठंडे होने दीजिए। फिर लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पे गरम तेल के अंदर आपको डालना है और बस 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, और आपके चिकन लॉलीपॉप एकदम परफेक्टली क्रिस्पी वाले रेडी हो जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर से मैं आपको फ्राई करके तो बता ही दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ड्रम्स ऑफ हेवन की ग्रेवी बनाने वाला हूँ। वो ग्रेवी बनाकर, वो सॉस बनाकर हम डबल फ्राई उसी टाइम करेंगे और उसी टाइम उसे कोट कर देंगे। तो वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। एक वॉक को हाई फ्लेम पर सेट कर दीजिए और अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक बार वॉक गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून आपको तेल ऐड करना है। तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 3 टेबलस्पून चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा और 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए। बस 1-2 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पर इसे सौते करना है। एक बार आपने इसे सौते कर लिया है तब इसमें 1 टेबलस्पून जो रेड चिली पेस्ट हमने कुक की थी वो ऐड कर दीजिए, 2 टेबलस्पून टमेटो केचप, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक डाल रहा हूँ। नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है और 1 मिनट के लिए आपको पका लेना है। इस स्टेज पर आपको इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, हल्का सा गर्म पानी डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च स्लरी बनानी है तो 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लम्स नहीं होने चाहिए। अब धीरे धीरे स्लरी को ऐड करके अच्छे से स्टर कीजिए और सॉस को गाढ़ा कर लीजिए। आप देख सकते हो सॉस हमारी गाढ़ी हो चुकी है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है। इस स्टेज पर मैं फ्लेम को बंद कर रहा हूँ, हमारी सॉस रेडी हो गई है। बाजू में मैंने तेल को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लिया था। लॉलीपॉप्स भी ठंडे हो गए तो इन्हें डबल फ्राई अभी यहाँ पर कर लेते हैं। तो लॉलीपॉप्स को अभी गर्म तेल में डालिए और बस 1 मिनट के लिए या 1-1.5 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है कि ये बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएं, तो वो जो 10% की कसर रह गई थी ना कुकिंग की वो भी यहाँ पर हो जाए। तो बस 1-1.5 मिनट के लिए यहाँ पर कुक कर लीजिए। कुक करने के बाद इसे झारे से निकाल देना है, एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने देना है और इस स्टेज पर आप इसे चिकन लॉलीपॉप जैसे सर्व कर सकते हो। अभी हम ड्रम्स ऑफ हेवन भी बना रहे हैं, इन लॉलीपॉप्स को मैं वॉक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, साथ में चॉप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स भी ऐड कर रहा हूँ। फ्लेम को ऑन कर दीजिए हाई पे और बस फटाफट कुछ ही सेकंड्स में इसे फटाफट टॉस कर देना है। जल्दी से टॉस करना है नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ ही सेकंड्स में फटाफट मैंने इसे टॉस करके कोट कर लिया है सॉस के साथ, ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और डालिए और ये आप देख सकते हो हमारे ड्रम्स ऑफ हेवन और चिकन लॉलीपॉप दोनों ही रेडी हो गए। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल।
मजा आ गया आज चिकन लॉलीपॉप और ड्रम्स ऑफ हेवन खाकर। चिकन लॉलीपॉप एकदम बाहर से क्रिस्प, अंदर से जूसी, साथ में वो तीखी वाली सेजवान सॉस। सेजवान की जो चटनी है, सॉस है, ये भी मैंने रेसिपी पहले बताई हुई है, तो घर पे बनाई है अपने वही वाली रेसिपी, और साथ ही में ड्रम्स ऑफ हेवन भी बनाई है। बारिश हो रही थी आज शूटिंग के टाइम पर, तो मज़ा आ गया इसे खाने में। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर बनानी है, और फिर कमेंट्स में मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।